ये नाश्ता सिर्फ एक चम्मच चावल से बनेगा और इसे खाने के बाद कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये नाश्ता किन चीजों से बनाया है। रेसिपी के सीक्रेट जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए 4-5 ब्रेडों को ले लिया है और साइड पार्ट्स को निकाल दिया है। आप साइड पार्ट्स ना निकालना चाहे ना तो चलेगा। अब मैंने ना 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इन्हें छील कर टुकड़ों में काट लिया है। अब एक ग्राइंडिंग जार लिया है, आलू को धुलने के बाद जार में ऐड कर देना है और फिर एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च इन्हें भी टुकड़ों में काट कर ऐड कर दिया है। इस रेसिपी को तीखा चटपटा बनाने के लिए 3 से 4 हरी मिर्चों को ऐड कर देंगे, साथ में ना ग्राइंड कर लेंगे और एक टुकड़ा अदरक का। ऐड करने के बाद 6-7 कलियां लहसुन की भी ऐड कर देंगे। ये हरे मसाले ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब एक टमाटर मीडियम साइज का इसे टुकड़ों में काट करके ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में कोरिएंडर लीव्स बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, तो थोड़ी सी हम ग्राइंड कर लेंगे और जो हमने ब्रेड लिया था ना उन्हें भी टुकड़े कर लेंगे, जार में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। दही भी ऐड कर सकते हैं आपको पसंद है तो। अब ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बन करके तैयार हुआ है ना अमेजिंग। ना सब्जियों का पता और ना ही ब्रेड का पता। अब इस पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। जो बैटर बनाकर तैयार किए हैं इसे प्रॉपर वाइंड देना है। तो हमने गेहूं का 1/2 कप आटा लिया है, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आटे का इस्तेमाल ना करना चाहे तब इतनी ही क्वांटिटी में सूजी को ग्राइंड करके इस्तेमाल करें। बढ़िया से कलर उठाने के लिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर का ऐड करेंगे, क्योंकि हरी मिर्च हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, और 1 चम्मच के जितना कुरियंडर पाउडर का ऐड कर देंगे। थोड़ा चटपटा है तो थोड़ी सी खटास भी चाहिए, तब हम 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे, इससे और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा। 1/4 चम्मच खाना सोडा ऐड कर देंगे, इससे ब्रेड बेजी पैनकेक फ्लफी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। 1/2 चम्मच के जितना क्यूमन सीड्स ऐड कर देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। अपने स्वाद अनुसार नमक का ऐड करेंगे। इन सभी मसालों को बैटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ऑनियन पसंद करें तो सब्जियों के साथ उसे भी ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं, चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अगर प्याज लहसुन ना पसंद करें तो टोटली स्किप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, सिर्फ सब्जियों को ग्राइंड करने के लिए थोड़े से पानी का इस्तेमाल किया है और ये बैटर परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक रखना है, लिक्विड कंसिस्टेंसी का बैटर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अगर ये पतला है तो थोड़ा सा आटा और ऐड कीजिए, इसे परफेक्ट थिक कंसिस्टेंसी का बनाइए। पैन में बनाना चाहें तो ऑयल को थोड़ा सा फैलाइए और 1 या 2 चम्मच बैटर को ऐड कीजिए, थोड़ा सा मोटा मोटा ही इसे फैलाइए, इसी प्रकार का पैनकेक आराम से निकल पाएगा। तवे पर बनाना है तो नॉनस्टिक पैन लीजिए, इसमें ऑयल लगाकर अच्छे से फैलाइए और फिर बैटर को ऐड कीजिए। तो 1 या 2 चम्मच बैटर ऐड करने के बाद इसे आराम से फैलाइए और थोड़ा सा मोटा ही रखिए, तभी ये आराम से निकल पाएगा। इस तरीके से फैलाने के बाद आप थोड़ी देर ढक सकते हैं और इस तरीके से दबाकर भी इसे सेक सकते हैं। बैटर ऊपर से सूख गया है पर ये सेक नहीं पाया है, क्योंकि पलटाने पर ये कितना फ्लफी जैसा है और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे सिकने के लिए, इसलिए हम इस तरीके से इसको हिलाएंगे। हमारा ब्रेड बेजी पैनकेक थोड़ा सा फ्लफी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि पोटैटो ग्राइंड करके ऐड किया है तो ये गर्म होकर के पिघलेगा। पलटने के बाद 5 से 7 मिनट से इसी प्रकार सेकेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया नीचे से भी सिक गया है ना। इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ऑयल ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं, पर बच्चों के टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऊपर से लगा देंगे। ऑयल स्प्रेड करने के बाद एक बार और पलट दिया है और फिर सिकने के बाद इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना फ्लफी, कितना सॉफ्ट ब्रेड वेजी पैनकेक तैयार हुआ है ना। चलिए दूसरा भी बना करके दिखा देते हैं। तो पहले थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और फिर थोड़ा सा बैटर डालेंगे, थोड़ा ही फैलाएंगे, पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्ला निकालने में प्रॉब्लम आएगी। अब ये देखिए दोनों साइड से हमने बढ़िया सा सेक करके इसे तैयार कर लिया है। इसे निकालने के बाद बचे हुए बैटर के भी पैनकेक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। वाह, सही में इन्हें बनाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। इन्हें बच्चे ना बड़े शौक से खाएंगे और बार बार बनवा करके खाएंगे।
इन पैनकेक्स को बच्चे सॉस के साथ पसंद करते हैं, पर बड़े हरी चटनी या दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को मेरे कहने से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और पसंद आए ना तो लाइक का बटन दबा करके इंडियन किचन क्वीन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।